फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट। और मैं हूँ सोनिया शर्मा। जब भी हम कभी बाजार से हलवाई से दही लेके आते हैं तो उस दही को देख के हम सोचते हैं कि हमारी दही भी ऐसी क्रीमी और मलाईदार क्यों नहीं जमती। तो वैसे ही दही आज मैं आपको घर में जमाना बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। मलाईदार क्रीमी दही जमाने के लिए लिया है मैंने 1 किलो फुल क्रीम दूध, और वो भी पैकेट वाला। अगर आपको दही का टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा यानी मीठा और क्रीमी चाहिए तो आप फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें, टोंड या डबल टोंड ना लें। अब दूध को किसी भारी तले वाले बर्तन में उबलने के लिए रख देंगे। दूध को हाई फ्लेम पे ही गरम करेंगे। जैसे ही इसमें एक बॉईल आएगा, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कर देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी जमाई हुई दही भी थिक और क्रीमी जमेगी। मुझे तो ऐसी ही दही पसंद आती है, और आई एम श्योर कि आप भी इस तरह से क्रीमी और थिक दही खाना चाहते होंगे। अब दूध को 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे। इसलिए ही मैंने शुरुआत में भारी तले वाला बर्तन लेने के लिए बोला था। अगर हम हल्के तले वाले बर्तन में दूध को पकाएंगे तो वो तले में लग सकता है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि दूध के ऊपर एक मलाई की अच्छी सी लेयर आ चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ करके दूध को किसी जाली से ठंडा होने के लिए रख देंगे। दही जमाने के लिए एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है, वो ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा। अगर दूध ठंडा हुआ तो दही बिल्कुल भी नहीं जमेगी, अगर दूध गर्म हुआ तो दही बहुत ही खट्टी जमेगी। तो हम उसी टेम्परेचर को जांचने के लिए पतीले के बाहर से हाथ लगाकर देखेंगे कि दूध कितना गर्म है। जब आप पतीले को बाहर से हाथ लगाएं तो हाथ जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्की सी गर्माहट सी लगनी चाहिए। और दूसरा तरीका है, आप दूध के अंदर उंगली डाल के भी चेक कर सकते हैं। जब आप दूध के अंदर उंगली डालें तो उंगली को दूध की जलन बिल्कुल भी महसूस नहीं होनी चाहिए। दूध सिर्फ इतना गर्म हो कि उंगली उसके टेम्परेचर को सहन कर पाए, और आप उंगली को कुछ सेकंड्स के लिए दूध के अंदर रख सके। अब दूध दही जमाने के लिए परफेक्ट है, तो चलिए दही जमाते हैं। मैं दही जमाने के लिए कैसरोल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि कैसरोल दही जमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सर्दी के मौसम में दही कैसरोल में ही जमाएं, क्योंकि इसमें दही बिल्कुल अच्छी जमती है। वैसे तो मैं सर्दी ही नहीं गर्मी में भी इसी में ही दही जमाती हूँ। अब कैसरोल में दूध को थोड़ा हाइट से डालें ताकि उसमें थोड़े से झाग बने। तो चलिए दही जमाते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच दही। अब दही को थोड़ा थोड़ा करके चारों कोनों में इस तरह से डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बाकी बचा हुआ बीच में। दही डालने के बाद बस इसको ढककर रख देंगे। अगर आप दही सर्दी के मौसम में जमा रहे हैं तो आप इस दही को किसी शॉल या गर्म कपड़े से इस तरह से ढककर रख सकते हैं। और या फिर आप इसे माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। मैं दही को माइक्रोवेव में रख रही हूँ। आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ये बिल्कुल भी ना हिले। अगर आपने दही को बार बार हिलाया तो दही बिल्कुल भी नहीं जमेगी।
अगर आपने एक बार दही जमाने के लिए रख दी तो आप इसको 6 से 7 घंटे बाद ही चेक करें कि दही जमी है या नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कैसरोल नहीं है तो आप इसे किसी भी बर्तन में जमाकर आटे के ड्रम में रख सकते हैं, इससे भी दही बहुत ही अच्छी जमती है। माइक्रोवेव में दही रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि माइक्रोवेव हमें ऑन नहीं करना है। तो चलिए, 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, हम दही चेक करते हैं कि कैसी जमी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी दही कितनी अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसे ज्यादा हिलाएंगे नहीं, इसे बड़े ही आराम से फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। इससे हमारी दही और भी ज्यादा थिक और क्रीमी होएगी। तो चलिए दोस्तों, 2 से 3 घंटे के बाद फ्रिज से दही निकाल कर देखते हैं कि कैसी जमी है। तो देखिए, हमारी दही कितनी मलाईदार बनकर तैयार हुई है। मैं आपको थोड़ी सी कट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रीमी और मलाईदार है। तो देखिए, दही कितनी थिक है, चम्मच से उठाने के बाद भी हिल नहीं रही है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्रीमी मलाई। तो देखिए, दही पे कितनी थिक क्रीमी मलाई जमी है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो देखिए कितनी थिक मलाई जमी है। क्यों, दही की थिकनेस देख के लग रहा है ना कि बिल्कुल आइसक्रीम जैसी। और ये आ गई इसकी क्रीमी मलाई। तो आप भी बाजार जैसी, या ये कहें कि बाजार से भी अच्छी और हाइजीन तरीके से दही घर में ही जमा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसानी से। फिर चाहे मौसम कोई भी हो, सर्दी या गर्मी, तो आपकी जमाई हुई दही बताए हुए तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि दही कैसे जमी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।